अगली वड्डी खबर पठानकोट तो जिथे पठानकोट पुलिस वालों मोहल्ला बजरी दे विच एक गोदाम दे विच रेड कीती गई जिथे पुलिस वालों नाजायज रूप च रखे गए पटाकियां दी खेप बरामद कीती गई। दस दिए कि गोदाम मालक ते पहला भी मामला दर्ज हो चुका है, कई बार इत्थे हादसे भी हो चुके ने। दस दिए कि पिछले साल बटाला च नाजायज रूप च चल रही पटाका फैक्ट्री दे विच धमाका होने कारण कई लोगों की जान गई सी, जिसके चलते सरकार ने पूर्ण रूप च इस ते रोक लगाई हुई है। हूँ आन के टाइम से दिवाली आ रहा, फैसटिवल सीजन आ रहा, ये इलीगल स्टॉक करते हैं पटाकों का। और घड़ी में अच्छे सू जो इनफॉर्मेशन मिली थी कि रमन कुमार जो इतों का रहने वाला, इससे पहला भी बच्चा है, तो वो अं दुकान चेक की, उस बार एक गोदाम का पता लगा, गोदाम चेक किया, काफ़ी भारी मात्रा जो पता जो पटाके इलीगल, ये कोई बिल नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, तो वो असं कब्जे ले फर्दर इनवैसिगेशन भी कर। तो बाद गोदाम जो है स्वास्थ्य एनक्लेव पैंता, वैसे तो बजे कंपनी का भी एरिया है स्वास्थ्य एनक्लेव ढाकी रोड तो उसे है जी। मतलब एग्जैक्ट क्वानटिटी दसना जी तो मुश्किल है, बाकी मतलब जो ट्रक है भरया हुआ एक 407 भरी हुई है, दो सरकारी गड्डी भी गेड़े लाए असं, मतलब काफ़ी वीड्डी मात्रा के नहीं जी। नहीं कोई फिलहाल कोई लाइसेंस नहीं है, जो लाइसेंस होता भी है तो इस जगह तो परमिशन फिर भी नहीं मिल सकती क्योंकि रिहायशी एरिए गोदाम नहीं हो सकता। एफ आई आर दर्ज करके उसके खिलाफ जी अगली कार्रवाई की।